परम पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा रचित पुस्तक केली कुंज की 18वीं लीला तत्सुखिया लीला प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा। यमुना पुलीन के उपवन में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में श्री प्रिया बैठी हैं, अर्थात श्री राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर का एक बागीचे में इंतजार कर रही हैं और यह बागीचा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। रात 3 घड़ी से अधिक बीत चुकी है। यमुना के तट पर तट से सटा हुआ एक अत्यंत सुंदर उपवन है। उपवन हरी हरी झाड़ियों एवं फूलों से लदे हुए वृक्षों से भरा हुआ है। यमुना जी का प्रवाह वहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर है तथा घाट से भली प्रकार बंधा हुआ है। यमुना जी कुछ आगे पश्चिम की ओर बढ़कर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई। यहाँ तात्पर्य यह है कि नदी का जो बहाव है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो पहले सीधे सीधे पश्चिम दिशा में श्री यमुना जी की धार बह रही है और वहाँ से वो दक्षिण की तरफ मुड़ गई है। इसी मोड़ पर यह उपवन है, तो जहाँ पे श्री यमुना जी की धार मुड़ रही है वहीं पे यह बागीचा है। श्री यमुना जी की धारा का एक विभाग हो गया है, अर्थात विभाजन हो गया है, जो पहले उपवन के पूर्व की ओर एवं फिर दक्षिण की ओर से बहता हुआ पुनः यमुना जी में जा मिलता है। इस छोटी शाखा में वर्षा के दिनों में तो जल अधिक रहता है किंतु अन्य ऋतुओं में कम हो जाता है। शाखा के दोनों छोर पर अर्थात जहाँ वह यमुना जी से निकलती है और जहाँ यमुना जी में पुनः मिलती है, उन दोनों स्थानों पर अत्यंत सुंदर पुल है। छोटी शाखा के और भी कई स्थानों पर छोटे छोटे पुल हैं। इन्हीं पुलों पर से होकर श्री राधा रानी एवं ब्रज सुंदरिया अपने अपने घरों से आती हैं तथा संकेत स्थल पर अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलती हैं। यहाँ संकेत स्थल का तात्पर्य है पहले ही निश्चय हो चुका है श्री कृष्ण में एवं गोपियों में, यह निश्चय हो चुका है कि आज हमें रात्रि में किस स्थान पर मिलना है, उसे यहाँ पे संकेत स्थान की संज्ञा दी गई है। उपवन में श्री यमुना जी की छोटी शाखा के उद्गम के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर वेदी बनी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 100-100 गज की है। वेदी अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई हुई है, उस पर नीली कालीन बिछी हुई है। कालीन का तात्पर्य है दरी। उस पर नीली कालीन बिछी हुई है एवं पीले रंग की बहुत बड़ी चांदनी चारों ओर से खंभों के सहारे लगाई गई है। बीच में कोई खंभा नहीं है। रेशम की डोरी से एवं पीले रेशमी वस्त्र से वेदी की वह चांदनी इस प्रकार शोभा पा रही है मानो सुंदर रेशमी वस्त्रों का मंदिर हो। उस रेशमी चांदनी में स्थान स्थान पर जड़ी के काम में राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं, अर्थात जो रेशम की चांदनी बनी हुई है उसमें जड़ी के काम से श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। कभी बंसी बजाने की लीला, कभी महाराज की लीला, भिन्न भिन्न प्रकार की लीला वहाँ पे चित्रित की गई है। उन चित्रों पर मणियों का हरा हरा प्रकाश पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे चित्र नहीं सचमुच पीले रंग के आकाश में श्री प्रिया प्रियतम की लीलाएं चल रही हैं। चांदनी जिन खंभों के सहारे टंगी है उनमें विभिन्न प्रकार की अनेकोंनेक प्रकाश युक्त मणियां पिरोई हुई हैं जिनसे चित्र विचित्र प्रकाश निकल रहा है। उस वेदी से सटा हुआ पूर्व एवं उत्तर के किनारे पर अत्यंत सुंदर वट का वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे ही श्री प्रिया बैठी हैं। वट वृक्ष की जड़ के पास की भूमि उजले रंग के किन्हीं अत्यंत विचित्र मूल्यवान पत्थरों से पाट दी गई है। पत्थरों पर इतनी चमक है कि उसमें वट वृक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है। वट वृक्ष के मूल के पास बेंच के आकार का नीले मखमल का आसन है।
उसी पर श्री प्रिया दक्षिण की ओर मुख किए बैठी हुई हैं। पूर्वी गगन में चंद्रमा का उदय हो चुका है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, अतः चंद्रमा सूर्यास्त से 3 घड़ी बीत जाने पर उदय हुआ है और वे वृक्षों के ऊपर उठ चुके हैं। राधा रानी से कुछ दूर हटकर उनकी बाई ओर विशाखा खड़ी हुई है तथा 4-5 हाथ आगे की ओर ललिता खड़ी होकर बड़ी उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से जिस पथ से श्याम सुंदर आया करते हैं उस पथ की ओर देख रही हैं। राधा रानी की विकलता बढ़ती जा रही है, विकलता अर्थात बेचैनी, श्री राधा रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वे बार बार आसन से उठकर खड़ी हो जाती हैं तथा कुछ देर खड़ी रहकर फिर बैठ जाती हैं। श्री प्रिया के शरीर पर चंपई रंग की साड़ी शोभा पा रही है। सभी सखियां भी चंपई रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार उठती बैठती हुई राधा रानी बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं तथा ललिता को पुकार कर कहती हैं, ललिते अब कितनी रात्रि शेष है, प्रभात होने में कितनी देर है। ललिता अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहती है, बहन अभी तो रात 3 घड़ी ही बीती है। राधा रानी कुछ निराशा एवं करुणा भरे स्वर में कहती हैं, ललिते तुम मुझे भुलाती है, रात तो बीत गई, देख चंद्रमा अस्त होने जा रहा है। राधा रानी की यह बात सुनते ही ललिता वहां से आकर श्री राधा रानी के गले में अपना बाया हाथ डाल देती हैं और दाहिने हाथ में रुमाल लेकर श्री राधा रानी के कपोलों पर आए हुए प्रस्वेद कणों को पोछती हुई कहती हैं, बहन विश्वास कर मैं तुम्हें भुलाती नहीं हूँ, सचमुच अभी रात केवल 3 घड़ी ही बीती है, तुम्हें वस्तुतः दिग्भ्रम हो रहा है, चंद्रमा तो अभी अभी उदित हुए हैं, प्यारे श्याम सुंदर के विरह में तुम्हारे मन की दशा प्रायः ऐसी ही हो जाती है, तुम्हें दिग्भ्रम हो जाया करता है, यह पूर्व दिशा है, चंद्रमा का उदय अभी हुआ है। राधा रानी कहती हैं, फिर श्याम सुंदर क्यों नहीं आए, धनिष्ठा ने कहा था कि वे थोड़ी देर में चलने वाले ही हैं। धनिष्ठा एक मंजरी का नाम है जिन्होंने श्री राधा रानी को संकेत किया था कि श्री कृष्ण बहुत जल्दी अपने स्थान से अपने घर से निकलने वाले हैं। राधा इन बातों से राधा रानी की व्याकुलता बेचैनी साफ साफ पता लगाई जा सकती है। वो उनके इंतजार में उनके प्रतीक्षा में इतनी व्याकुल हैं कि वो सोच रही हैं कि मैं कितनी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनके हृदय में एक भय भी है कि पता नहीं आज श्री कृष्ण उनके प्यारे श्याम सुंदर ना आए तो क्या होगा, इसीलिए वो बार बार उठती हैं बैठती हैं, उठ के उस पथ पर देखती हैं, उस रास्ते को देखती हैं, निहारती हैं जहाँ से श्री कृष्ण आने वाले होते हैं। और ऐसी व्याकुलता से बेचैनी से उनकी जो सखी है ललिता सखी उनसे प्रश्न करती हैं कि रात और कितनी बाकी है, कब तक आएंगे श्री कृष्ण, और अब चंद्रमा ढलने को है, सुबह होने को है, कब आएंगे वो, ये उनके प्रश्न उनके हृदय की व्याकुलता को बता रहे हैं। ललिता आते ही होंगे, ललिता कहती है आते ही होंगे, निश्चय ही थोड़ी देर में आ जाएंगे, बहन धीरज धर, रूप गई है वह भी नहीं लौटी है, इससे अनुमान होता है उन्हें साथ लेकर वह आती ही होंगी। रूप श्री ललिता सखी की दासी का नाम है जो एक मंजरी है। ललिता जी की बात से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने रूप मंजरी को भेजा है श्री कृष्ण के पास उनकी खबर लाने के लिए। तो वह राधा रानी से कहती है कि रूप अभी आई नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि रूप मंजरी श्री कृष्ण को अपने साथ ही लेकर आ रही होंगी, इसीलिए थोड़ा धीरज धरो। श्री राधा ललिता की गोद में अपना सिर रखकर उसी बेंच के पास पूर्व की ओर पैर
करके लेट जाती हैं। राधा रानी की व्याकुलता से ललिता भी व्याकुल सी होने लगती है। इसी समय वृंदा देवी ललिता के कान में आकर धीरे से कुछ कहती है। उसे सुनते ही ललिता का मुख तमतमा उठता है। वे कुछ चिढ़ी सी होकर इधर उधर देखने लगती हैं, फिर कुछ क्रोध भरे स्वर में कुछ दूर पर खड़ी विमला मंजरी से कहती हैं, विमले जा, रति उस पुल के पास खड़ी है, उसे एवं धन्य जो उस शिफालिका वाले पुल पर है, दोनों को कह देना कि ललिता ने कहा है कि श्याम सुंदर आवे तो उन्हें सर्वथा आने न दे, स्पष्ट स्पष्ट कह दे कि ललिता की आज्ञा नहीं है। ललिता की बात सुनकर राधा रानी ललिता की गोद से उठ बैठती हैं तथा उनकी थोड़ी छूकर बड़े ही करुणा भरे स्वर में कहती है, बहन पगली क्या हो गया, क्या करने जा रही है। फिर तुरंत राधा रानी विमला की ओर देखकर उसी करुण स्वर में कहती है, ना विमला जाना मत। ललिता रानी उसी क्रोध भरे स्वर में कहती है, ना अब आज नहीं सहूंगी, आज श्याम सुंदर को मैं भी दिखा दूंगी कि ललिता क्या है। राधा रानी कहती है, प्यारी ललिते ऐसा मत कर, देख मेरा हृदय तेरी बात सुनकर धक धक कर रहा है, देख कितना ऊंचा उछल रहा है, मेरे ऊपर दया कर बहन, तेरा हृदय मेरे स्नेह के कारण धैर्य छोड़ रहा है, पर सच मान तू ऐसा करेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ललिता का क्रोध ठंडा हो जाता है पर फिर भी कुछ उग्र स्वर में कहती है, मैं क्या करूं, तू ही तो सब खेल बिगाड़ देती है, अन्यथा क्या यह संभव है कि श्याम सुंदर इस तरह करने का भी साहस करे। श्री राधा रानी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, वे उन्हें रोकते हुए कहती हैं, बहन मैं तेरे स्नेह की ओर देखती हुई कहने की इच्छा होने पर भी कहते कहते रुक जाया करती थी, पर आज अपने हृदय की एक बात बतलाती हूँ, मेरी बात सुनेगी क्या। ललिता की आंखों से छल छल करते हुए आंसू बहने लगते हैं, वे राधा रानी के गले से लिपट कर रोने लगती हैं, फिर कुछ संभल कर कहती हैं, बहन सुनूंगी क्यों नहीं, पर मुझसे यह सहा नहीं जाता, इधर तेरी ऐसी दशा है और वे सेव्या के कुंज के चक्कर लगा रहे हैं। इतनी कथा से आप लोगों को यह अंदाजा लग गया होगा कि श्री ललिता जी की सखी आकर श्री ललिता जी के कान में जो बात कह रही है वो यह कह रही है कि श्री कृष्ण सेव्या नाम की एक गोपी है, उनके कुंज के यानी कि उनके जो उनका जो जंगल है, उनका जो बागीचा है, उसके चक्कर लगा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द उसके आसपास श्री श्याम सुंदर देखे गए। तो ललिता जी का गुस्सा यहाँ पे फूटना एकदम सही था, क्योंकि वो यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति देख रही हैं, श्री राधा रानी कितनी व्याकुल है, जिस पथ से श्री श्याम सुंदर आने वाले हैं उस पथ को बार बार निहार रही हैं कि मेरे श्याम सुंदर अब आते होंगे, अब आते होंगे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके हैं, सिर्फ श्री राधा रानी ही नहीं, उनकी सखियाँ, उनकी मंजरियाँ सारे इसी प्रतीक्षा में हैं कि अब श्याम सुंदर आते होंगे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके हैं लेकिन ललिता सखी की मंजरी उसने यह देखा कि सेव्या नाम की जो गोपी है उसके कुंज के, उसके बगीचे के आसपास श्री श्याम सुंदर है। तो यह सुनकर ललिता सखी को बहुत ही क्रोध आया। राधा रानी अत्यंत प्यार से कहती हैं, तो इसमें वे कौन सा अपराध कर रहे हैं बहन, सचमुच आज तुम्हें अपने हृदय को खोलकर एक बात बता रही हूँ मेरी प्यारी ललिते, श्याम सुंदर मेरे प्रियतम, श्याम सुंदर मेरे दास नहीं है अपितु मैं उनकी दासी हूँ। राधा रानी यहाँ ललिता जी को समझाना चाह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, श्री कृष्ण मेरे दास नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनकी जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, मैं उनकी दासी हूँ, मुझे उनसे कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कहते कहते राधा रानी का गला प्रेम से रुदने लगता है, आंखें भर आती हैं तथा समस्त अंगों में प्रस्फेद कण झलकने लगते हैं।
कुछ समय चुप रह कर फिर राधा रानी कहती हैं, रस के समुद्र, सुख के सागर, मेरे जीवन सर्वस्व, तुम्हारी दासी राधा पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। यह जीवन, यौवन, सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे प्राणनाथ। इसे हृदय से लगाकर अपने अंतस्थल में छिपाए रखो, अथवा इस दासी को चरणों से ठुकरा दो। दोनों अवस्थाओं में ही यह दासी तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। ललिता की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगते हैं। रानी अपने आंचल से ललिता के आंसुओं को पोंछने लगती है। अब तक विशाखा दूर पर खड़ी हुई निर्निमेष नयनों से ललिता एवं राधा रानी की ओर देखती रही थी, अब पास आकर बैठ गई। विशाखा के बैठने पर रानी अपना बाया हाथ विशाखा के कंधे पर रख देती है। ललिता की ओर देखती हुई फिर रानी कहती है, मेरी प्यारी ललिते, एक बार हंस दे तो रो मत बहन, नहीं तो फिर मैं तुझे रोती देखकर मूर्छित सी होने लग जाऊंगी। सच मान मेरे प्यारे श्याम सुंदर को यदि बहन चंद्रावली से सुख मिलता है तो मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हे विधाता, जितनी देर मेरे प्यारे श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में रहे उतनी देर तक उनके हृदय में मेरी स्मृति को ढक देना, मैं उन्हें स्मरण ही नहीं आऊं, नहीं तो उनके सुख में विघ्न होगा, मेरी याद आते ही वे विकल हो जाएंगे, मेरे पास आना चाहेंगे। ललिता देख ले, हृदय के अंतस्थल में जाकर देख ले, मैं सच कह रही हूँ बहन, सचमुच मुझे कोई दुख नहीं है, तू रो मत बहन। श्री राधा रानी अपनी दोनों सखियों को, ललिता सखी को, विशाखा सखी को यह समझाना चाहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, वे मेरे दास नहीं हैं। उन्हें जो जिस कार्य में जिस व्यक्ति विशेष के साथ सुख मिल रहा है वो उनके साथ रहे और सुखी रहे। वो विधाता से प्रार्थना कर रही हैं कि जितनी देर तक वह किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, यानी कि चंद्रावली सखी के साथ है, चंद्रावली एक गोपी है, उनके साथ श्री कृष्ण है, तो उतनी देर तक श्री कृष्ण को मेरी यानी राधा की याद ना आए। अगर उन्हें राधा की याद आई तो वे बेचैन हो जाएंगे और उस क्षण का आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसी भक्ति श्री राधा रानी प्रदर्शित कर रही है। ललिता कुछ शांत सी होने लगती है। इसी समय विशाखा कहती है, बहन एक बात पूछना चाहती हूँ, बताएगी? राधा रानी कहती है, हाँ अवश्य बताऊंगी, कुछ न छिपाते हुए आज जो जो पूछेगी वही बता दूंगी। विशाखा कहती है, अच्छा बहन, मान ले श्याम सुंदर तुम्हारे पास आना पूर्णतः बंद कर दे तथा चंद्रावली के कुंज में ही जाने लग जाए, वे तुम्हें किसी दिन बुलावे, वहाँ तुम्हारे सामने ही चंद्रावली के गले में बाह डाले हुए कहें कि प्रिय मैं थोड़ी देर में आया, फिर चंद्रावली के साथ उनके कुंज में चले जाए, तो क्या उस समय तू धैर्य रख सकेगी? राधा रानी कुछ गंभीर सी होकर कहती है, हाँ बहन अवश्य धैर्य रख सकूंगी। विशाखा कहती है, तुम्हें दुख नहीं होगा? राधा रानी कहती है, सर्वथा नहीं। विशाखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। रानी कुछ मुस्कुराती सी कहती हैं, सच बहन दुख सर्वथा नहीं होगा, अपितु आनंद तिरेक के कारण मूर्छित होकर मैं कहीं गिर न पड़ूं। विशाखा आश्चर्य भरी दृष्टि से रानी की ओर देखती हैं। रानी फिर कहने लगती हैं, विशाखे मैं प्यारे श्याम सुंदर को देखकर आनंद से पगली सी होने लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि न मेरे अंदर रूप है न यौवन, कुछ भी तो नहीं है, पर फिर भी श्याम सुंदर मुझे सबसे अधिक प्यार क्यों करते हैं? मैं तुम्हें देखती हूँ, सोचती हूँ विशाखा मेरी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर है, आज मैं इसे ही अपने हाथों से सजाऊंगी, तुम्हें सजाकर प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में बिठाकर देखूंगी कि उन्हें कितना अधिक सुख मिलता है। फिर ललिता को देखती हूँ, चित्रा को देखती हूँ, जिसको देखती हूँ उसी को देखकर मन में यही आता है कि इससे मेरे प्यारे श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलेगा, मैं इसे सजाऊंगी। कई बार ऐसा कर भी चुकी हूँ, ठीक
इसी प्रकार बहन चंद्रावली को देखकर मन में आता है कि प्यारे श्याम सुंदर को इससे अधिक सुख मिलेगा। अतः तुम्हारी कल्पना के अनुसार यदि वे वैसा भी करें तो मुझे दुख नहीं होगा। बहन, उनका हृदय प्रेम का असीम सागर है। जिस समय वे मुझे हृदय से लगाते हैं उस समय वह सागर उफन पड़ता है। मैं उसमें डूब जाती हूँ, डूब कर देखती हूँ। बहन, वहाँ अणु अणु में बैठी हूँ। मैं ही मैं हूँ, केवल बस एकमात्र मैं ही। रानी यह कहते कहते प्रेम में अधीर होने लग जाती हैं। विशाखा एवं ललिता रानी के पास आकर उन्हें संभालने लगती हैं। रानी कुछ मूर्छित सी हो जाती हैं। रानी का सिर ललिता अपनी गोद में रखकर उन्हें लिटा देती हैं। कुछ देर मूर्छित रहकर बाह्य ज्ञानहीन दशा में ही रानी धीरे धीरे बोलने लगती हैं, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे हृदय धन, मेरे हृदय को देखो। बाह्य ज्ञानहीन दशा अर्थात उन्हें बाहर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, उससे वो परे हो जाती हैं और धीरे धीरे बुदबुदाने लगती हैं, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे हृदय धन, मेरे हृदय को देखो। तुम्हारी दासी राधा आज कितनी प्रसन्न है। तुम बहन चंद्रावली के कुंज में गए हो, आज मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। हाँ हाँ मेरे प्राणनाथ, संकोच मत करो, मैं तो तुम्हारी कृतदासी हूँ। मेरे हृदयेश्वर, मेरे सामने ही बहन शैव्या बहन चंद्रावली के गले में बाह डाले हुए मेरे इस उपवन के पुष्पों की शोभा निहारो। राधा, तुम्हारी यह दासी इसे देखकर आनंद में विभोर हो जाएगी। सच मेरे प्राणनाथ, मेरे सुख की सीमा नहीं रहेगी। मेरे प्रियतम, एक बार नहीं यदि अनगिनत बार बहन चंद्रावली के समक्ष तुम मुझे हृदय से लगाओ, उस समय मुझे जितना सुख मिलेगा ठीक उतना ही सुख, नहीं नहीं उससे भी अनंत गुणा सुख मुझे आज बहन चंद्रावली के साथ तुम्हें इस निकुंज में देखकर मिलेगा। राधा रानी कुछ रुक जाती हैं, धीरे धीरे बड़बड़ करने लगती हैं। ललिता रानी के मुख के पास कान ले जाकर सुनती है कि यह क्या कह रही हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। ललिता एवं विशाखा दोनों के मुख पर आश्चर्य छाया हुआ है। रानी फिर बोलने लगती है, बहन सच बतलाती हूँ, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मैं देखती हूँ, नित्य देखती हूँ, पर नित्य यह अनुभव करती हूँ कि आज तो ये और भी सुंदर हो गए हैं। एक क्षण पहले जिसे देखती थी वही सौंदर्य पूर्णतः नवीन होकर दिखने लग जाता है। बहन, जहाँ जहाँ दृष्टि डालती हूँ वहीं आंखें चिपट जाती हैं, वहाँ से आंखें हटना ही नहीं चाहती। देखते देखते जब मैं मूर्छित सी होने लग जाती हूँ उसी समय वे हंस देते हैं और कहते हैं कि प्रिय क्या देखती हो, मेरी प्रियता में मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर तुम्हारी आंखें हैं। यह सुनते ही बहन मैं लजा जाती हूँ। उस समय वे मेरी ठोड़ी को आकर छू देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रिय तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारी रूप सुधा का पान करूंगा। बहन, उस समय मैं विह्वल हो जाती हूँ। उस समय कई बार मन में यह आता है कि ठीक जिस प्रकार मेरे श्याम सुंदर मेरा मुख देखकर सुख पाते हैं उसी प्रकार किसी दिन बहन चंद्रावली के मुखारविंद को निहार निहार के यह सुख पावे। मैं दूर पर खड़ी खड़ी प्यारे श्याम सुंदर के मुख की मुस्कान देखूंगी और आनंद में विभोर हो जाऊंगी। सच सच हृदय की बात कहती हूँ। बहन, तू रो रही है, मेरे स्नेह के कारण रो रही है। तू सोचती है कि मेरी प्यारी राधा के हृदय को कष्ट पहुंचाकर श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में क्यों गए, पर बहन मुझे सर्वथा दुख नहीं है। विश्वास कर विशाखा, श्याम सुंदर की किसी बात से भी, उनकी किसी चेष्टा से भी मुझे दुख नहीं होता, अपितु प्रति क्षण मैं नए आनंद में डूब जाती हूँ। बहन, उनका हृदय इतना कोमल है, इतना सरस है कि वे चाहने पर भी मुझे दुख पहुँचा ही नहीं सकेंगे, यह असंभव है। राधा रानी फिर चुप हो जाती हैं तथा थोड़ी देर चुप रहकर कहती हैं, अच्छा मान लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए तेरी बात ही ठीक हो जाए, श्याम सुंदर मुझे चिढ़ाने लग जाए, मुझे दुख देने लग जाए,
तो इससे क्या हुआ? बहन, मैं तो उनकी कृतदासी हूँ, वे जैसे चाहे मुझे रख सकते हैं। हाँ बहन, मुझे उनके सुख में ही सुख है। यदि वे मुझे दुख पहुंचाकर, मुझे चिढ़ाकर आनंद पा सके तो बहन मैं चाहती हूँ अनंत काल तक वे मुझे चिढ़ाते रहें, अनंत काल तक वे मुझे दुख पहुंचाते रहें। इससे बढ़कर और सुख मेरे लिए क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं। राधा रानी अब बावली सी होकर उठ बैठती है तथा विशाखा का गला पकड़कर रोने लग जाती है। विशाखा की आंखों से पुनः आंसू बहने लग जाते हैं। वे हतमती सी होकर सोचने लगती हैं कि मैं अपनी प्यारी सखी को कैसे शांत करूं। इसी बीच राधा रानी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं तथा मूर्छित सी होकर भूमि पर गिरने लगती हैं। ललिता ठीक पहले की भांति उन्हें गोद में ले लेती हैं। रानी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कुछ मुस्कुरा कर कहती हैं, प्यारी विशाखा, तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा देख, एक बात मैंने तुम दोनों से छिपा रखी थी, आज बतला देती हूँ। उसे केवल मैं चित्रा और रूप जानती है। मैंने रूप को सौगंध दिया था कि ललिता विशाखा से यह बात अभी मत कहना। चित्रा श्री राधा रानी की सखी है एवं रूप मंजरी है। मंजरी का अर्थ है सखियों की दासिया, यानी श्री राधा रानी की सखी चित्रा और चित्रा की दासी रूप। श्री राधा रानी कहती है, बहन, 3 दिन पहले की बात है, मैं सूर्य मंदिर में बैठी थी, तुम सब श्याम सुंदर की टोह में बाहर गई थी, केवल रूप मेरे पास थी। उसी समय मेरे प्यारे श्याम सुंदर आए, उनका मुख कुछ सूखा सा था, मैं व्याकुल हो उठी, और प्यारे श्याम सुंदर का मुख मलान क्यों है? वहां कोई नहीं था, दौड़ी हुई उनके पास जा पहुंची, आंचल से मुंह पोछ कर बोली, प्यारे, तुम्हारा मुख कुछ गंभीर क्यों है? प्यारे श्याम सुंदर ने बात टालनी चाही, पर मैं गले पड़ गई, उनके गले में बाह डालकर बैठ गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बोली, क्या नहीं बताओगे? प्यारे श्याम सुंदर पीतांबर से मेरे आंसू पोछ कर मुझे अपनी गोद में लिटाकर बोले, प्रिय, मैं सचमुच ही बहुत घृणा के योग्य हूँ, तेरे प्यार के योग्य नहीं, मुझे क्षमा करो। मैं सत्य बात बताकर तुम्हारे हृदय को दुखाना नहीं चाहता। बहन, मेरी प्यारी विशाखा, मेरा हृदय फटने लग गया। बहुत देर तक उनकी गोद में सिर रखकर रोती रही, फिर बोली, नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम मुझे बताओ। फिर बहन प्यारे श्याम सुंदर ने बताया, प्रिय, अभी अभी मैं तेरे पास आ रहा था, पता नहीं कौन है, एक 16 वर्षीय किशोरी मुझे वन में मिली, 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्ष की वन में मिली। प्रिय, मेरी आंखें उसकी ओर बरबस चली गई। मैंने पूछा कि अरे ग्वालिन, तो किसकी पुत्री है और कहाँ रहती है? इस पर प्रिय उसने इतनी रुखाई से मुझे फटकारा कि मैं तो झिझक गया, फिर भी सोचता रहा कि यह ग्वालिन है तो बहुत सुंदर। मैंने उससे कहा कि अरे गर्बीली, एक बात देख तो सही। पर प्रिय वह फिर उसी तरह रुखाई से बोली कि चल हट, मैं राधा नहीं हूं कि तेरे जाल में फंस जाऊं। यह सुनकर प्रिय मैं क्या करता, चुपचाप वहां से चला गया। यह बात सुनते ही मेरे चित्त में एक बार तो क्रोध आया। बहन, आज बिना छिपाए तुम्हें सब बात बता रही हूं। क्रोध इसलिए नहीं हुआ कि श्याम सुंदर मुझे छोड़कर उस ग्वालिन की ओर क्यों आकर्षित हुए, अपितु क्रोध इस बात से हुआ कि ऐसी गर्भीली ग्वालिन कौन है जिसने मेरे प्यारे श्याम सुंदर के कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई है। बहन, मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं उसे जैसे भी हो प्रसन्न करके अपने प्यारे श्याम सुंदर के पास ले आऊंगी, उसके चरणों को पकड़कर प्रार्थना करूंगी, जैसे भी होगा वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर से मिलवाऊंगी। इसी निश्चय में मैं बोली, प्यारे श्याम सुंदर, वो कहाँ है, मुझे दिखाओ। श्याम सुंदर बोले, तुम्हें देखने से तो उसका गर्व ही टूट जाएगा, उसने तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर अपेक्ष कर रही है। बहन, मैं यह सुन
कर उठी। उठकर प्यारे श्याम सुंदर को हाथों से पकड़कर उठाया और बोली, अभी चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। श्याम सुंदर उठे, मुझे साथ लेकर माधवी कुंज के पास लेकर गए तथा दूर से दिखलाया, वह देखो, वहाँ वह बैठी है। बहन, मैंने देखा, दूर पर पेड़ के सहारे अत्यंत सुंदर एक ग्वालिन बैठी है। मैंने श्याम सुंदर से कहा, तुम यहीं पर बैठो, देखो मैं अभी उसे अपने साथ लाती हूँ। बहन, मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर उसके पास खड़ी हो गई। बहन, सचमुच वह ग्वालिन मुझे इतनी सुंदर दिख पड़ी कि मैं तो चकित हो गई। एक बार उसे देखती तथा फिर दूर पर खड़े श्याम सुंदर को देखती, फिर सोचती, क्या ही श्याम सुंदर की जोड़ी है। हे विदाता, मेरी सहायता करना, मैं इसे प्यारे श्याम सुंदर